छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम, और मुख्यमंत्री के दामाद हैं और बेटी हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बागेश्वर धाम, उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, यहां आने का उद्देश्य क्या है आपका? मन में दंडवत हो सकूं, बागेश्वर धाम के धूल को सीने माथे से लगा सकूं, अपना जीवन धन्य कर सकूं, बस यही उद्देश्य है। अभी फिलहाल में लोकसभा चुनाव चल रहा है, कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तो नहीं? क्योंकि भाजपा अक्सर देखी जाती है जब चुनाव होते हैं तो मंदिरों में। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा भारतीय मानवेंदुओं के प्रति सदैव संजीदा होती है, चुनाव से कोई लेन देन नहीं है इन विषयों का। जैसे आप यहाँ है, कैसा आपको दर्शन है? जी, मैं तो बड़ा अद्भुत दृश्य है यहाँ पे, और बहुत सुन रखा था भगवान पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संदर्भ में भी मैंने देखा था, सुना था। अभी पिछली बार उनके छत्तीसगढ़ प्रवास में मैं उनको चरण भी छुआ था, संवाद भी हुआ था, तो उन दिव्यता है, उनकी अपनी दिव्यता है। इस बार लोकसभा में कितनी सीटें आने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ पूरे देश में, पूरे देश में 370 से पार भाजपा है, क्योंकि 370 धारा भारतीय जनता पार्टी ने हटाई है, उसकी सरकार ने हटाई है, और 400 से पार एनडीए है, क्योंकि जनता मोदी जी से तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले कराना चाहती है, और इसलिए 400 पार जाएगी इस बार। क्या आपके पास मुद्दे धारा 370, राम मंदिर, यही है क्या? जैसा कि आप ही खुद कह रहे हैं। भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको प्रतिदिन सुबह 1,00,000 रुपया दिया जाए, आपको नहीं कहता हूँ, किसी को 1,00,000 रुपया दिया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए रोज, अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाए, और अच्छा घर रहने को दे दिया जाए, और चौराहे पे दो जूते मारे जाए, मानेगा वो व्यक्ति? स्वाभिमान बड़ी बात होती है ना। मेरे देश में 500 साल से राम मंदिर नहीं बन पाया था, राम मंदिर का बनना मेरे स्वाभिमान का विषय है, बाकी सारी बातें हैं उचित हैं, वह भी होनी चाहिए, और हुई हैं मोदी जी के कार्यकाल में। 6 संख्या थी, वो 10 सालों में 21 हो गई। प्रतिदिन 25 से लेकर 35 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है, कितने हाई लेवल पर टनल बने हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट किस तरीके से शांत हुआ है, कितने पड़ोसी राज्यों में देशों में घुस कर के मारा गया है, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि मेरे देश का स्वाभिमान, मेरे देश का मानबिंदु, इस पर बात हुई है, देश के सामर्थ्य का डंका पूरी दुनिया में बजा है। न्याय यात्रा कितना प्रभावित रहेगी पूरे देश में? कहाँ की न्याय यात्रा, हिंदू धर्म से शक्ति खत्म करने की बात वो करते हैं, वो कहाँ की न्याय यात्रा है? देखते, हमारे साथ डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, जिन्होंने बताया, बड़ी ही हर सवालों का जवाब देते रहे, और बागेश्वर धाम आने का कारण भी बताया है। उसके साथ सीएम की बेटी और दामाद भी यहाँ मौजूद रहे, उनके साथ बालाजी मंदिर के दर्शन किए, और अभी हवन के लिए वो आए हैं। हवन करने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी आशीर्वाद लेंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।